जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलएसी पर भारत के सबसे ऊंचे एयरबेस को बनाने की शुरुआत हो चुकी है। भारत अपनी वॉरशिप्स और सबमरीन्स के लिए स्वदेशी मरीन गैस टरबाइन इंजन को विकसित करने पर कर रहा है काम। भारत भी कर सकता है अमेरिका की तरह क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। चंद्रयान 3 के बाद अब समुद्र यान की बारी। इंडियन आर्मी को मिलेगी दुनिया की सबसे एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट्स। तो जैसे कि तय था, आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा बीआरओ की 90 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं देश को समर्पित की गई हैं और इन परियोजनाओं की कीमत है 2,900 करोड़ रुपीस, जो कि 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैलेंगी। और इन परियोजनाओं का उद्घाटन जम्मू में आयोजित किए गए एक इवेंट के दौरान किया गया। इन 90 परियोजनाओं में से 36 अरुणाचल प्रदेश के लिए है, 26 लद्दाख के लिए, 11 जम्मू एंड कश्मीर के लिए, 5 मिजोरम के लिए, 3 हिमाचल प्रदेश, 2 सिक्किम के लिए, 2 उत्तराखंड के लिए, 2 वेस्ट बंगाल के लिए, 1 नागालैंड, 1 राजस्थान और 1 अंडमान निकोबार आइलैंड पर है। और रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण इन सभी परियोजनाओं को बीआरओ ने एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट किया है। और इसमें से कई परियोजनाएं तो ऐसी भी हैं जिनमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हें सिंगल वर्किंग सीजन में पूरा किया गया है। और अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री ने बीआरओ को इंडियन आर्म फोर्सेस के ब्रो यानी कि भाई की तरह डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने कहना था कि बीआरओ न केवल भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि ये दूर दराज के इलाकों में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। वैसे अगर आप में से किसी को भारत की बीआरओ के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन 90 परियोजनाओं में जो वेस्ट बंगाल में 2 एयरफील्ड्स वाली परियोजना भी शामिल है, तो ये एयरफील्ड्स हैं बागडोगरा और बैरकपुर, जिन्हें 500 करोड़ रुपीज़ की लागत पर रीमैप किया गया है। इसके अलावा आज भारतीय रक्षा मंत्री ने वर्चुअल तरीके से पूर्व लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड की आधारशिला भी रख दी है। और जैसे कि पहले के अपडेट्स में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पूर्व लद्दाख का जो न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, उसे इंडियन एयरफोर्स के एक फुल फ्लेज्ड एयरबेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये भारत का पहला एयरबेस होगा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, इन सभी के फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकेंगे। और न्योमा एयरबेस एलएसी से बेहद ही करीब है और इसी वजह से रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। और इस न्योमा एयरबेस को 200 करोड़ रुपीस की लागत पर बनाया जाएगा और इसका कार्य 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये एयरबेस नॉर्थन बॉर्डर के साथ एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। और रक्षा मंत्री का भी कहना था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये जो एयरफील्ड है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड होगा, और ये निश्चित रूप से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और इतना नहीं बल्कि बीआरओ ने इस बुर्ते से ब्रिज को भी बना लिया है जिस पर चीन ने अपना ऐतराज जताया था और चीन नहीं चाहता था कि ये ब्रिज बनाया जाए। और आज रक्षा मंत्री द्वारा लद्दाख के इस बुर्ते से ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। और ये जो ब्रिज है, डेपसांग में बॉर्डर आउटपोस्ट को मेन लैंड से जोड़ता है। और इस ब्रिज को इस तरह से बनाया गया है कि इसके ऊपर से आर्मर्ड व्हीकल्स भी आराम से गुजर सकें। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे बीआरओ ने उन सड़क का निर्माण भी किया है जो कि एलएसी के पास चीन के क्षेत्रों से केवल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका रणनीतिक महत्व कितना ज्यादा है, ये तो आप अच्छी तरह से समझते ही हैं। और जैसे कि बीआरओ ऑफिशियल्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि जिस हिसाब से बॉर्डर एरियाज पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से हो रहा है, तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में इस मामले पर भारत चीन को पीछे कर देगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की वॉरशिप्स और सबमरीन्स को पावर देने के लिए अब भारत ने मरीन गैस टर्बाइन्स के स्वदेशी ऑप्शन को विकसित करने पर कार्य शुरू किया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूक्रेन की कई सारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसमें यूक्रेन के माइकोलाइव में स्थित जोरिया मैस प्रोजेक्ट गैस टर्बाइन प्लांट भी शामिल था। और ये यूक्रेन की वो फैसिलिटी है जो कि मरीन गैस टर्बाइन इंजन को मैन्युफैक्चर करती है। और अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी की अधिकतर वॉरशिप्स में इसी प्लांट में बने हुए गैस टर्बाइन इंजन इस्तेमाल होते हैं। हालांकि फिलहाल अभी तो वर्तमान समय में हमारे पास सफिशियंट स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे और लंबा चला तो जल्दी स्पेयर्स की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए इसी आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए अब भारत स्वदेशी मरीन गैस टर्बाइन इंजन को विकसित करने पर काम कर रहा है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसयू, बीएचईएल और प्राइवेट फर्म भारत फोर्ज उन कंपनीज में शामिल है जिनसे इंडियन नेवी की जरूरतों के अनुकूल इन मरीन गैस टर्बाइन इंजन के विकास और उनके सप्लाई के लिए व्यक्तिगत रूप से परामर्श किया गया है। आज ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इजिप्ट में चल रही ट्राई सर्विस ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की गई थी। और इसमें से एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी सोल्जर DRDO द्वारा विकसित किए गए कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। DRDO का जो एक कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है, तो इसके 2 खास तरह के वेरियंट है। इसके एक वेरियंट में आप 9mm की पिस्टल को माउंट कर सकते हैं, जबकि दूसरे वेरियंट में 40mm के अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर को। और इसके अलावा इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को डे एंड नाइट कैमराज, इनविजिबल लेजर्स, लेजर एमिंग डिवाइस, टैक्टिकल फ्लैशलाइट, कलर LCD मॉनिटर और रिचार्जेबल बैटरी पावर सोर्स, इन सभी से इक्विप्ड किया गया है।
और जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये एक ऐसा वेपन है जिसकी मदद से ऑपरेटर किसी भी काउंटर अटैक के लिए अपने आप को बिना एक्सपोज किए भी टारगेट पर एम करके उस पर हमला कर सकता है। और DRDO के इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप उस वीडियो के माध्यम से और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि कल सोमवार को IIT जम्मू में आयोजित किए गए नॉर्थ टेक सिंपोजियम को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस बात की तरफ भी संकेत दिए कि भारत ने कुछ ऐसे स्वदेशी ड्रोन्स को भी एक्वायर किया है जो कि दुश्मन के क्षेत्र में काफी अंदर तक स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। असल में हुआ यह था कि उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत भी कभी अमेरिका की तरह अक्रॉस द बॉर्डर टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। तो इसके उत्तर में उनका यह कहना था कि मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन को और भी करीब से देखें और आपको ऐसे सिस्टम्स मिलेंगे जो कि 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर लॉयटरिंग एम्यूनिशन के साथ टारगेट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इन सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि लोगों ने इन सिस्टम्स को खरीदा है और ये सिस्टम्स केवल टारगेट प्रैक्टिस के लिए नहीं लिए गए बल्कि उन्हें ऑपरेशनली भी इस्तेमाल किया जाना है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये भी कहना था कि आप इस एग्जीबिशन में जो भी देखते हैं तो आप उनमें से कुछ सिस्टम्स को एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारी इन्वेंट्री के हिस्से के तौर पर जरूर पाएंगे। और उनका यह भी कहना था कि इंडियन आर्म फोर्सेस ड्रोन्स जैसे खतरे से पूरी तरह से अवेयर है और इसी वजह से इन खतरों को काउंटर करने के लिए पर्याप्त क्वांटिटी में एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे इक्विपमेंट लिए गए जो कि सक्सेसफुली टेस्टेड हैं और जिनमें से कुछ सिस्टम्स ऑलरेडी G20 समिट की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इस वर्ष जम्मू कश्मीर में 46 आतंकियों को ढेर किया गया और इनमें से 37 पाकिस्तानी हैं और केवल 9 ही आतंकी थे जो लोकल्स के थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 33 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में ढेर किए गए फॉरेन टेररिस्ट की संख्या लोकल्स टेररिस्ट की तुलना में 4 गुना ज़्यादा है जो कि इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के रिक्रूटमेंट में कितनी गिरावट आई है और इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के अपने उद्देश्य के लिए पाकिस्तान को मजबूरी में उनके वहाँ मौजूद आतंकियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के फॉरेन टेररिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार बैठी है पाकिस्तान से आने वाले सुमरों को हॉरिफाइड करके उनको उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए। बाकी इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राजौरी में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और फिलहाल अभी जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस पर अपडेट्स आने बाकी हैं। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब भारत अपने पहले मैंड डीप ओशन मिशन जिसका नाम रखा गया है समुद्रयान तो उसके तहत समुद्र की 6 किलोमीटर गहराई तक 3 ह्यूमंस को भेजने की योजना बना रहा है और इसके लिए मत्स्य 6000 नाम के एक खास मैंड सबमर्सिबल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में विकसित किया जा रहा है और इसके कमीशन होने के बाद फिर 3 ह्यूमंस को डीप सी रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के स्टडी के लिए समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा। इंडियन आर्मी की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के हिस्से के तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स हेलमेट्स शील्ड और सिख हेलमेट्स की खरीद के लिए 4 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दी गई थी और इसमें से बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स के लिए SNPP को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसलिए इसके बारे में जानकारी देते हुए SNPP के ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि उनकी कंपनी इंडियन आर्मी के लिए आने वाले महीनों में एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स को सप्लाई करेगी और इनकी डिलीवरी इस वर्ष के अंत तक कंप्लीट कर ली जाएगी। और ये जो नई बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये BIS लेवल 6 की प्रोटेक्शन और जो नए हेलमेट्स हैं वो लेवल 3+ की प्रोटेक्शन देने में सक्षम होंगे और जिन्हें दुनिया में अभी तक सबसे बेस्ट हेलमेट बताया गया है। और उनका यह भी कहना था कि पहली बार इंडियन आर्मी लेवल 6 की प्रोटेक्शन देने वाले बुलेट प्रूफ वेस्ट को खरीद रही है। इसके अलावा सीमाओं पर घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम करने के लिए इंडियन आर्मी स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए स्मार्ट फेंसेस को भी खरीदेगी जो कि हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरास के साथ इक्विप्ड होंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रशिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पर आधारित एक ऐसे खास सिस्टम को विकसित किया है जो कि फाइटर जेट्स के कॉकपिट के ग्लास में आने वाले डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद करेगा और इस सिस्टम को ऑलरेडी रशिया के Su-34 फाइटर जेट्स में टेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा चीन के फायरिंग टेस्ट रेंजेस से चीन के एक नए कामिकाजे ड्रोन की टेस्टिंग की कुछ वीडियो सामने आई हैं और चीन के इस नए ड्रोन का नाम है सनफ्लावर 200 जो कि देखने में ईरान के शहीद 136 कामिकाजे ड्रोन का ही चाइनीज वर्जन लगता है। बाकी चीन ने अपने इस ड्रोन को सबसे पहले रशिया में आयोजित मिलिट्री एग्जीबिशन आर्मी 2023 में अनवील किया था। बाकी पहले के डिफेंस अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि नाइजीरिया भारत के साथ एक बहुत बड़ी मिलिट्री डील्स में दिलचस्पी रख रहा है और जबकि नाइजीरिया भारत के स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स तो इन सभी में भी दिलचस्पी दिखा चुका है। तो अभी हाल ही में यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें HAL ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया कि नाइजीरिया की एक डेलीगेशन ने LCA तेजस के डेमोन्स्ट्रेशन को भी देखा है। हालांकि फिलहाल अभी नाइजीरियन पायलट्स द्वारा इस LCA तेजस को उड़ाया जाना बाकी है और इस मिलिट्री परचेस के लिए जो निगोशिएशन हैं वो अपनी शुरुआती स्टेज में। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मोहम्मद अली राज शेख वीरगति को प्राप्त हुए थे
और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आजे ग्रीन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मनोज पांडे ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही का वो दिन है जब 1897 में 36 सिख, जो कि फोर सिख है, तो इसके 21 बहादुर सैनिकों ने 10,000 से ज्यादा दुश्मनों के खिलाफ अदम्य वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और अपने असीम शौर्य व बलिदान के लिए इन सभी 21 वीरों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। और इस लड़ाई को हम सभी जानते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इजिप्ट में आयोजित ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट के ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।